बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कोई भी काम ले लो, चाहे वो कुछ भी हो, मेहनत हर काम में है दोस्तों। तो हर टाइम प्रेज करो, सबका थैंक्स करो, तो बहुत ही बढ़िया। माली भाई थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। आपका भाषा हमें अनमोल लगा सर। थैंक यू। आपका भाषा सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, गाड़ी स्टार्ट करने लगा हूँ, फिर चलते हैं सेक्टर 36 के फ्रेगनेंस गार्डन और आपको दिखाते हैं वहाँ का गार्डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चलो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं सेक्टर 36 पहुँच गया हूँ, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी, यहाँ पे पार्किंग है सारी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, तो दोस्तों आज मैं पार्क में आया हूँ। ये देखो कि हैं 11, बहुत ही, तो दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं नहा धो के रेडी हो गया, आज पार्क में आया। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा प्लेजेंट मौसम है, बहुत ही मज़ेदार दिन है। तो दोस्तों जैसा कि आज फ्राइडे है, महालक्ष्मी माता का दिन होता है, अन्नपूर्णा माता, संतोषी माता का दिन होता है, तो दोस्तों आज के दिन ब्लू कलर डालिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, करके देखिए, डायरेक्ट चीज़ें लिंक होती है भगवान जी के साथ। तो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों और सुनाइए, बहुत ही अच्छा पार्क है, आज आपको पार्क का रिव्यू देते हैं। सेक्टर 36 में आया हूँ, सेक्टर 36 चंडीगढ़ फ्रेगनेंस पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। चलो आपको रिव्यू देते हैं और आपको पूरा पार्क दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 36 के फ्रेगनेंस गार्डन, ये आप देख सकते हैं, गार्डन ऑफ फ्रेगनेंस MC चंडीगढ़। हमारी सिटी को नीट एंड क्लीन रखिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, बिकॉज वी लव आवर सिटी। चलिए दोस्तों यहाँ से एंट्री करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बारिश हो गई है, तो बारिश हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पहले से टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो गया, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत मौसम आज। और आपको तो ये किसने इनॉग्रेट किया है ये भी आपको दिखाते हैं, आप पढ़ लीजिए। द गार्डन ऑफ फ्रेगनेंस इनॉग्रेटेड बाय श्री जगदीश सागर IAS सर, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आप एंट्रेंस देख सकते हैं, कितना कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत पार्क है, बहुत ही ग्रीन, टोटली ग्रीनरी एकदम, वाओ। आपको सारा पार्क दिखाता हूँ, यहाँ पे वॉक करते करते आपसे बातें भी करूँगा और आपको पार्क भी दिखाऊंगा, तो आप एंजॉय करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। सो जैसे कि यहाँ बेंचेस लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप बेंचेस पे बैठ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, आप पार्क देख सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा पार्क है दोस्तों। कुछ आगे चलते हैं, आपको यहाँ के फूल दिखाते हैं, ग्रीनरी दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रैक बनाया हुआ है, यहाँ पे पैदल चल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे रनिंग भी कर सकते हैं, आप ग्रीनरी देखिए, वाओ। मैं आपको सारा पार्क दिखा देता हूँ एक बारी, फिर हम बातें करेंगे। चलो आपको पूरा पार्क दिखाते हैं एक बारी अच्छे से, आप एंजॉय करिए मेरी वीडियो को। चलिए But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्क बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही वेल मेंटेन बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को। सो ये देख सकते हैं, देखो कुछ बहुत ही बढ़िया स्कल्पटिंग करी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, ये शायद स्टोन का है, ये स्टोन है, ये आप पढ़ सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बनाया पूरा स्टोन से बनाया हुआ है,
और जिसने बनाया बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही बढ़िया। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस पार्क की ग्रीनरी का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, आप जहाँ भी देख लो, इतना दूर से देख रहे हो, जहाँ भी देखो ग्रीनरी से भरा हुआ है, टोटली ग्रीनरी से भरा हुआ है, पूरा ग्रीन एरिया, टोटली ग्रीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, टोटली नीट एंड क्लीन। क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखो कितने हरे भरे पेड़ हैं, नीट एंड क्लीन टोटली। वाव, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत पार्क है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स बने हैं, एक ये ट्रैक बना हुआ है, एक ये मिट्टी वाला ट्रैक बना हुआ है, इस पर भी रनिंग करना बहुत अच्छा होता है, ये गोड्डे के लिए ठीक होता है। ये मिट्टी वाला ट्रैक है, इस पर आप चल सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं वो आगे तक जा रहा है। और इस साइड है सीमेंटेड ट्रैक, सीमेंटेड ट्रैक। सो एक फिटनेस टिप देना चाहूँगा, जिनके गोड्डों में प्रॉब्लम है वो सीमेंटेड ट्रैक पर ना वॉक करें, रादर देन शूज डाले होंगे मिट्टी वाले ट्रैक पर, जो मिट्टी वाला ट्रैक होता है उस पर वॉक करें, तो आपके गोड्डों में पेन नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन पार्क। तो दोस्तों बारिश होने के कारण काफ़ी बेनिफिट हो गया, तो ये एग्ज़िट है यहाँ से, बट अभी हम एग्ज़िट बाहर जा नहीं रहे। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये कुछ नोटिस बोर्ड लगा है, ये ज़रूर पढ़िए, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो ध्यान रखिएगा। प्लीज़ हेल्प अस टू कीप द गार्डन नीट एंड क्लीन। सो एज़ यूजुअल अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रखिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों ये बेंचेस लगाए हुए, आप बैठ के गेट टुगेदर कर सकते हैं। इवनिंग में आइए, मॉर्निंग में आइए, बहुत रश होता है यहाँ पे, इस टाइम तो गर्मी है। देखिए क्या खूबसूरत बेंचेस हैं यहाँ पे लगे हुए, आप आराम से आके इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे गेट टुगेदर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे ग्रीनरी कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग करी हुई है, बहुत ही बढ़िया, वाव, ऑसम। आप देखिए, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ जाता है यार ऐसी चीज़ें देख के, दिल खुश हो जाता है। आप देखिए दूर दूर तक आपको ग्रीन 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 ग्रीन, टोटली ग्रीन एरिया दिख रहा होगा दूर दूर तक। तो आगे कुछ झूले भी लगे हुए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया। तो वॉशरूम्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। तो शेड दी हुई है यहाँ पे, आप बैठ के आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। आप देखिए ये बच्चों के लिए कुछ झूले लगाए हुए हैं, आप अगर फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो यहाँ पे झूले दिए हुए हैं, आप झूलों पर इंजॉय कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस, डॉग्स भी रेस्ट कर रहे हैं छाँव में, बहुत बढ़िया। अगेन बेंचेस दिए हैं बैठने के लिए, ये झूले दिए हैं बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत पार्क है दोस्तों, बढ़िया पार्क है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार पार्क है, आप डेफिनेटली आइएगा यहाँ पे। कितने सारे झूले दिए हुए हैं, कितने सारे, वेरी नाइस, अरे वाह कितना बढ़िया झूला है दोस्तों। ये देखो कुछ एक्रैलिक का बनाया हुआ है, ये लोहे का, वैसे ये एक्रैलिक का डिज़ाइन करा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। ये देखिए ये एक्रैलिक का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा चेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतना कुछ हमारे लिए वो करते हैं, बहुत ही बढ़िया। इतने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, वेरी नाइस, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स, देखिए क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स इज़ वेरी नाइस। हमारे माली भाई बहुत अच्छे हैं जो भी कर रहे हैं काम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, सबकी मेहनत यहाँ पर काम आ रही है। देखिए कितने मेहनत से चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें प्लक मत कीजिए, तोड़िएगा मत। तो यहाँ की ग्रीनरी मेंटेन रखिए, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है प्लीज़ डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ ज़रूर करिए, आप कुछ भी लेके आते हैं तो यू हैव टू थ्रो द एवरीथिंग स्टफ इन द डस्टबिन। चलिए आगे चलते हैं, देखो कितना पुराना, वाओ कितना पुराना पेड़ है। तो पेड़ के नीचे जो मज़ा आता है ना खड़े होके, गर्म हवा भी ठंडी लगने लगती है अगर पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाओ, और इतना बढ़िया पेड़ है, वाओ। चलिए आगे चलते दो, आपको पूरा पार्क टूर करवा रहा हूँ, द फ्रेगनेंस गार्डन सेक्टर 36 चंडीगढ़। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों ये कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं जो रात को जलती हैं, ये लाइट्स हैं, ये प्रॉपर ये रात को चलती हैं, देखिए
क्या खूबसूरत चीज़ है यार। अगेन ये ट्रैक बनाया हुआ है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए मिट्टी का ट्रैक है, ये मिट्टी का ट्रैक है, आप इस पर रनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, देखो कितना बढ़िया ट्रैक है। इस पर आपके ये ट्रैक में आपकी नीज़ पे इफेक्ट नहीं आएगा। आपको अगर नीज़ प्रॉब्लम है, किसी को जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसको अगर नीज़ की प्रॉब्लम है, तो मिट्टी के ट्रैक में रनिंग करे, वॉक करे, तो उसको पेन कम होगा एज़ कम्पेयर टू द सीमेंटेड ट्रैक। तो वैसे तो मिट्टी वाले ट्रैक में अगर रनिंग करेंगे तो वैसे तो बेनिफिशियल, एथलीट्स वगैरह इसी ट्रैक पर रनिंग करते हैं। तो अगर एक आपको एडवाइस है, जो भी मेरे व्यूअर्स अगर वीडियो देख रहे हैं उनकी नीज़ में अगर प्रॉब्लम है, तो वो रादर देन फ्लैट पे वॉक करने के बजाय माटी वाले ट्रैक पे वॉक करें या रनिंग करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आज सारा पार्क घूम लिया, मज़ा आ गया यार, सारा पार्क घूम के मज़ा आ गया आज, बहुत ही बढ़िया। मौसम बहुत अच्छा आज बेसिकली, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही आज, प्लेजेंट सा वेदर है, बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, धूप भी इतनी महसूस नहीं हो रही, बहुत ही खूबसूरत ट्रीज़ लगाए हुए हैं, अभी ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, वाओ, वेरी नाइस। चलते हैं, यहाँ पे ओपन जिम है, वैसे तो हर चंडीगढ़ के पार्क में मैक्सिमम ओपन जिम आजकल ओपन हो गए हैं भाई, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिए हैं ओपन जिम, मैक्सिमम पार्क्स में है ही हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी आपको दिखाते हैं ओपन जिम। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ बैठक बनाया हुआ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जब आप थक जाएं तो इस पे रेस्ट कर सकते हैं, स्टूल से बनाया हुआ, देखो कितने खूबसूरत स्टूल हैं, वाओ, वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा ओपन जिम, बहुत ही बढ़िया, आप ग्रीनरी देखो, ऊपर ऑक्सीजन, वाओ, सूरज की किरणें, जय सूर्य भगवान जी। ये देखिए ओपन जिम हमारा, नेचुरल एकदम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जिम है। फिक्स के पार्क में आते हैं तो आप यहाँ पे जिमिंग भी कर सकते हैं, ओपन जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह, आप डेफिनेटली आइए। तो यहाँ भाई मिले हैं एक, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कैसा लगा आपको। मस्त, बढ़िया एकदम, वेरी गुड, वेरी। आप एक्सरसाइज करने आए हो? हाँ, बस घूमने टहलने। चलो गुड गुड, एंजॉय कर रहे हो? हाँ, वेरी गुड। एक भाई मिले तो एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने पूछा यार आप बताओ कैसा लगा आपको पार्क, ही सेड दैट बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पार्क है, एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो दोस्त इस पार्क में रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से एक व्यू दिखाते हैं आप दोस्तों, देखो दूर दूर तक ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, वाओ। तो दोस्तों देखो कितने खूबसूरत पेड़ लगे हैं, वाओ वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया पार्क है यार, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। कितनी बढ़िया चेयर्स दी हुई हैं यहाँ पे, सीमेंटेड है सारा एकदम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। आप क्लीनिनेस देखिए कितनी शानदार, एकदम मज़ा आ गया यार, वेरी गुड। अगेन आप पार्क देख सकते हैं, मैं ज़्यादातर इस पार्क में आता हूँ एक्सरसाइज करने, कभी सैर करने, रनिंग करने, तो बहुत ही अच्छा लगता है पार्क, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, सेक्टर 36 का फ्रेगनेंस गार्डन, वेल मेंटेन्ड, सुपर्ब। दोस्तों अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो डेफिनेटली आइए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, हमारे चंडीगढ़ की ग्रीनरी देखने आइए, एंजॉय करिए, यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी है, आप एंजॉय करने ज़रूर आइए। दोस्तों मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहूँगा, इतने अच्छे माली इन्होंने रखे हैं, इतने खूबसूरत पार्क हैं, इतने बढ़िया, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन मेंटेन है। तो यहाँ पे माली भाई साहब मिले, माली भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मेंटेन करा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा, देखो अभी भी काम कर रहे हैं, इतनी धूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आसान नहीं होती, सब चीज़ें आसान नहीं होती, कहना आसान होता है वाओ वाओ, बट द थिंग इज़ दैट बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कोई भी काम ले लो, चाहे वो कुछ भी हो, मेहनत हर काम में है दोस्तों। तो हर टाइम प्रेज करो सबका, थैंक्स करो, तो बहुत ही बढ़िया। माली भाई थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। आपका भाषा हमें अनमोल लगा सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका भाषा सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने शानदार फूल हैं यार, मज़ेदार।
दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही है। आपको आज सेक्टर 36 चंडीगढ़ का मैंने गार्डन दिखाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है दोस्तों, डेफिनेटली आइए, इन्जॉय करिए। बट यहाँ पर प्लीज़ वेस्ट मत फेंकिएगा, डस्टबिन लगे हैं वहाँ पर, सारा कुछ डस्टबिन में फेंकिएगा। और फ्लावर्स को प्लीज़ मत तोड़िएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉपरेट करिएगा सब चीज़ें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों घर पहुंच गए, अब थोड़ा रेस्ट कर लिया मैंने, अभी कॉफ़ी पी है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज मैंने आपको सेक्टर 36 का फ्रेगनेंस गार्डन दिखाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आप ज़रूर आइएगा अगर आप चंडीगढ़ आते हैं, अगर आप चंडीगढ़ रहते हैं तो उस गार्डन में जाइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेल मेंटेन गार्डन है बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो विद द न्यू व्लॉग।